हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लाए हैं आपके लिए एक नया अनबॉक्सिंग वीडियो, जो कि एक नया फ़ोन आया है वीवो का Y35, जो कि इंडिया में रिसेंटली लॉन्च हुआ है आपको। तो चलते हैं इसका अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और बताएंगे इसका फुल स्पेक्स और छोटा सा क्विक रिव्यू देंगे आपको। तो मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले बॉक्स कंटेंट की। तो इसमें यहाँ साफ साफ आपको वीवो का ब्रांडिंग किया हुआ है, मॉडल का नाम है Y35 और इस तरह का लुक एंड डिज़ाइन आपको दिया हुआ है, मॉडल का पूरा पिक्चर दिया हुआ है। बैक हैंड साइड में आपको जाते हैं तो इसमें आपको कुछ की हाईलाइट पॉइंट दिया हुआ, जो कि है आपका 5000 mAh का बैटरी है 44 वाट फ्लैश चार्जिंग के साथ, एक्सटेंडेड रैम है आपका 3.0 के साथ, 50 मेगापिक्सल का AI का ट्रिपल कैमरा दिया है और ऑडियो बूस्टर 2.0 के साथ आता है। तो ये कुछ ये की हाइलाइट पॉइंट दिया हुआ है, तो आगे हम बात करेंगे इसी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा फ़ोन Y35 का सिलिकॉन कवर आपको दिया है प्लास्टिक मटेरियल का, जो कि काफ़ी फास्ट है, सॉफ्ट है और इसमें आपको ट्रांसपेरेंट के साथ आपको दिया हुआ है। और ये आपका है USB केबल, इसमें आपको 44 वाट का फास्ट चार्जिंग के साथ आपको ये आता है। बात करते हैं दोस्तों लुक एंड डिज़ाइन की। तो इसमें आपको बॉक्सी डिज़ाइन के साथ आपको लुक हो जाता है, लुक काफ़ी बेहतर है। शाइनिंग आपको बैक ग्लास को दिया हुआ है, मेटल प्लस ग्लास का फिनिशिंग आपको दिया हुआ है, प्लस इसमें आपको डायमंड का टेक्सचर आपको दिया हुआ है, जिसमें कलर का शेडो आपको चेंज हो जा रहा है और काफ़ी अट्रैक्टिव लुक के साथ आपको आ जा रहा है दोस्तों। तो प्लीज़ लुक आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इसमें एक और सेकेंडरी कलर है जिसका नाम है डाउन गोल्ड, जो भी आपको ये भी बेहतर लुक के साथ आपको आ जाता है। कलर काफ़ी एक्यूरेट है और ये भी मैट फिनिशिंग के साथ आ जाता है आपको। तो दोस्तों, मुझे पर्सनली ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद आया, तो आपको कौन सा कलर पसंद आया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब बढ़ते हैं दोस्तों डिस्प्ले की ओर, अंदर की ओर। तो बात करें दोस्तों इसमें सबसे पहले डिस्प्ले की, तो इसमें आपका IPS पैनल का फुल HD+ 90Hz का रिफ्रेश रेट आपको दिया है, जिसका टच रिस्पॉन्स काफ़ी फास्ट है, नाइस स्मूथ आपको दिया हुआ है। तो टच रिस्पॉन्स में कोई चीज़ का दिक्कत नहीं, जैसा कि आपको दिख रहा हो दोस्तों। तो दोस्तों, बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी। तो इसमें IPS पैनल का डिस्प्ले जो दिया हुआ है, जिसका कलर एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा है, जिसमें आप साइड व्यू से भी आप देखेंगे तो वीडियो आपको निगेटिव नहीं दिखेगा। तो वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छा, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें वीडियो में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, डिस्प्ले के साथ आगे बढ़ते हैं हम इसके हार्डवेयर की ओर। तो इसमें कंपनी ने इसमें हार्डवेयर में क्या दिया हुआ है, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर आपको मिल जाता है, जो कि 2.4 GHz का प्रोसेसर के साथ ही आता है, जो कि आपको टच परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त रहे, गेमिंग नॉर्मल आप गेमिंग भी कर सकते हैं। प्लस इसमें बात करें आपको इसमें रैम की, तो इसमें 8GB पहले से दिया हुआ है, 8GB वर्चुअल रैम दिया हुआ है, LPDDR4X का रैम दिया हुआ है। तो रैम का कैपेसिटी काफ़ी अच्छा है और 8GB वर्चुअल है, तो आप इसमें रैम बढ़ा सकते हैं, तो आपको 16GB रैम आप कर सकते हैं। इसमें बात करें दोस्तों इसमें सॉफ्टवेयर की, तो सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 12 के साथ आता है और आपको इसमें सॉफ्टवेयर सबसे रेडी है आपको। अब बात करें दोस्तों इसके कैमरा डिपार्टमेंट की, इसमें कंपनी ने इसमें बैक कैमरा में आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा आपको दिया हुआ है। तो कुछ सैंपल्स हम देख लेते हैं आपको दोस्तों, और कुछ वीडियो का भी सैंपल हम आपको देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो रिकॉर्डिंग इसके बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, जो कि आपका 1080p 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है आपका 720p 60fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं आपका। तो वीडियो कैसा लग रहा है आप दोस्तों, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो कैमरा क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, तो कैमरा क्वालिटी का आपको बोलेंगे, फ्रंट कैमरा इसका 16 मेगापिक्सल कैमरा है, तो फ्रंट कैमरा का भी आप हम कुछ फोटोज़ और वीडियो आपको हम दिखा देते हैं, आप देख लीजिए।
तो दोस्तों ये वीवो का Y35 के फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, जिसका रेजोल्यूशन है 1080p 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसमें आपको फ्रंट कैमरा का क्वालिटी कैसा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हालांकि इसमें फ्रंट में स्टार्वेशन मोड तो नहीं दिया हुआ, लेकिन इसमें आपको चेहरे पर फोकस किया हुआ है तो वीडियो बैकग्राउंड में आपको हिल रहा है, लेकिन फ्रंट कैमरा में जो मेरा जो फेस है वो आपको काफ़ी हद तक स्टेबल आपको मिल रहा होगा। प्लस मोड ऑप्शन में जाते हैं तो आपको 50 मेगापिक्सल का मोड मिल जाता है, स्लो मोशन का सपोर्ट मिल जाता है और इसमें नाइट फोटोग्राफी आप कर सकते हैं फ्रंट एंड रियर कैमरा से। तो बात करते हैं दोस्तों इसकी फिजिकल ओवरव्यू की, मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस की। तो लुक से लेकर डिज़ाइन तक और आपका कैमरा से लेकर प्रोसेसर तक सभी आपका डिस्प्ले फ़ोन में आपको कोई चीज़ का दिक्कत नहीं दिया। और आप वीवो का फ़ैन है तो आप इसमें ऑफलाइन में जाकर के इसमें डिस्काउंट में भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये फ़ोन आपका 18,490 है, 1,000 से 1,500 रुपये तक आपको ऑफलाइन मार्केट में आपको डिस्काउंट हो सकता है। आप तो दोस्तों वीडियो हम ख़त्म करते हैं, तो वीडियो प्लीज़ दोस्तों आपको वीडियो ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।